मातारानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कार्तिक महात्म्य के 24वां अध्याय को सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो तो लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। तो आप लोगों ने पिछले अध्याय में जैसे सुना कि जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री हरि विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। और आंवले और तुलसी का महात्म्य का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ नहीं है। इसीलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। चलिए सुनते हैं इसके आगे की कथा। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के विषय में कहा था, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, ब्रह्म पर्वत पर कड़वी कार में धर्मात्मा नामक विख्यात कोई धर्मयज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर थर आ गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्रह्मा को दंडवत प्रणाम करके इस प्रहार से कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ, अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति की प्राप्ति होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बात मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे, मैं उनकी पत्नी थी, मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उदग्र रहा करता था। अंतोगत्व उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधते पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है, जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। तब चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है, वे स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए यह चमगादड़ी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे, इसलिए यह विष्ठाभोजी सुकड़ी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेले खाया करती थी, अतः इसके दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो, इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निर्दनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे,
उसके बाद यह पापनी शेष तीन योनियों का भी उपभोग करेगी। अब कलह ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर में आई मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण दिशा में कृष्ण और बेनी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनियों के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरी सब पाप नष्ट हो गए। द्विज श्रेष्ठ, आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर तीन योनियों से किस प्रकार मुक्ति होंगी। कलह का यह बात सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा कि धर्मदत्त ने उस राक्षसनी को क्या कहा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई कार्तिक महात्म को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।